नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। मथुरा पहुंची हेमा मालिनी को पुलिस ने हिंसा स्थल जाने से रोका। हेमा ने अखिलेश सरकार पर साधा निशाना। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, हर मोर्चे पर फेल है सरकार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी शिवपाल का मांगा इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान को दिया सलमा डैम का तोहफा। भारत की मदद से तैयार किया गया है डैम। पीएम मोदी ने उद्घाटन के बाद कहा, दोनों देशों के लिए है ऐतिहासिक पल। दाऊद कनेक्शन और जमीन घोटाले के आरोपों पर घिरे खडसे ने दिया इस्तीफा। बीजेपी ने कहा, उम्मीद है कि बेदाग होकर वापस लौटेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 15 घंटे के अंदर दूसरा आतंकी हमला। हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद। बीएसएफ के डीजी ने कहा, अमरनाथ यात्रा को बनाया जा रहा है निशाना। और नहीं रहे रिंग के किंग मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली। सांस लेने में तकलीफ की वजह से अमेरिका के अस्पताल में थे भर्ती। 74 साल के थे मोहम्मद अली। और अब खबरें विस्तार से। मथुरा घटना के 2 दिन बाद हिंसा स्थल पहुंची सांसद हेमा मालिनी को पुलिस ने रोक लिया है, जिसके बाद हेमा ने अस्पताल जाकर घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी हिंसा के लिए नरेंद्र मोदी और प्रदेश की अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें हर मोर्चे पर फेल हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी के मंत्री शिवपाल यादव का इस्तीफा मांगा है। अमित शाह ने कहा कि एसपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजाक बनाकर रखा है। अगर थोड़ी भी शर्म है तो शिवपाल तुरंत इस्तीफा दे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा पर सबसे पहले अफगानिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान के हेरात में उनका जोरदार स्वागत हुआ। यात्रा के दौरान उन्होंने अफगानिस्तान को सलमा डैम का तोहफा दिया। पीएम ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ इस डैम का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस डैम का नाम इंडिया अफगान फ्रेंडशिप रखने के लिए शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने डैम को दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक बताया। वहीं अशरफ गनी ने भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज आपकी मदद से अफगानिस्तान के लोगों का 40 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। आपको बता दें कि सलमा डैम भारत के सहयोग से बना है। अफगानिस्तान का ये डैम 1700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है, जिसे बनाने में भारतीय इंजीनियरों ने भी मदद की है। साथ ही भारत की ओर से आर्थिक मदद भी दी गई थी। अफगानिस्तान के बाद अब मोदी कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मेक्सिको के दौरे पर जाएंगे। और अब अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सुबह सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर खड़से ने उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने खड़से का इस्तीफा मंजूर कर राज्यपाल को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि अमित शाह के कहने पर संगठन महामंत्री रामलाल ने शनिवार को फोन कर खड़से को इस्तीफा देने के लिए कहा था। वही इस्तीफे पर खड़से का कहना है कि जांच में जल्द ही वह पाक साफ होंगे। नैतिकता के आधार पर उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। वही इस दौरान बीजेपी भी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी नजर आई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीते कुछ दिनों से खड़से पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। हमें यकीन है कि खड़से बेदाग होकर वापस लौटेंगे। आपको बता दें कि खड़से दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन और जमीन घोटाले में घिरे हुए हैं, जिसको लेकर उन पर काफी दिनों से इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा था। और अब अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां अनंतनाग जिले में 15 घंटे के भीतर पुलिस पर एक और आतंकी हमला किया गया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। गोलीबारी के बाद पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को भी बीएसएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने बीएसएफ जवानों पर फायरिंग की थी, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे, जबकि बीएसएफ जवान समेत 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बीएसएफ के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने ली है। बीएसएफ के डीजी के शर्मा ने हमले के पीछे अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं, हालांकि उन्होंने यात्रा की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात भी कही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अपने मुक्कों से दुनिया के दिग्गज बॉक्सरों को चित करने वाले मशहूर मुक्केबाज मोहम्मद अली नहीं रहे। 74 साल के अली ने आज अमेरिका के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। सांस की तकलीफ के चलते उन्हें गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी तबीयत और बिगड़ गई। 1980 के दशक में उनकी इस बीमारी का पता चला था। अली का जन्म 17 जनवरी 1942 को हुआ था। अली ने 12 साल की उम्र में बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू की थी और सिर्फ 22 साल की उम्र में 1964 में सोनी लिस्टन को हराकर उलटफेर करते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली थी।
इसके बाद उनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए। अली 1981 में बॉक्सिंग से रिटायर हो गए थे। उनके खाते में 56 विक्ट्री शामिल है, इनमें से 37 नॉकआउट है और महज 5 हार शामिल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।